हम नहीं चाहते हैं कि बेकार की बातों में इस घर में बवाल। सुना बहू, हम किसी बात को तूल नहीं देना चाहते। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने इस नए परिवार को अपना लीजिए। सोना, तुम परेशान मत हो, ऐसा वहम कई बार हो जाता है। कुछ चीजें होती नहीं है पर हमें दिखती हैं। छोड़ो भी अब इन बातों को। हमने सच में यहाँ साफ देखा था अपनी अपनी आंखों से। नहीं, ठीक है ना सोना जी, अब देखिए जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए उसे। हाँ तो फिर बोलो ना कि तुमने तोड़ा है। हाँ हमें सब पता है कि क्यों। क्या आपको भी लगता है हमने जानबूझकर। सोना जी देखिए हमारी बात सुनिए। अरे अगर प्रेम गिर के टूट गया तो टूट गया, बाहर टूट गया क्या बताइए, तो फिर आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई। अपनी बात को छिपाने के लिए सांप का नाम लेने की क्या जरूरत थी। तो आपको भी लगता है यहाँ सच में सांप था। सोना जी छोड़ इस बात को, खत्म कीजिए। आपको सच में ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे तो क्या चित्रा जी झूठ बोल रही है, बोलती क्यों नहीं कुछ। जी देखिए आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हम। देखिए ऐसा हो जाता है, आदमी डर के मारे झूठ बोल जाता है। हमने इतनी बार बोला है लेकिन अच्छा सुनिए, देखिए जो हुआ सो हुआ। सोना जी कोई सांप आप नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जानते हैं कि आपको इस वक्त बुरा लग रहा है और हमारे भाई ने जिस तरीके से आपसे बात की वो भी सही नहीं, लेकिन हम एक बात और जानते हैं, आपके पास एक जादू की छड़ी है। हाँ अब आप वापस से जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब का दिल जीत लेंगे। हमें पता है वही मत। कोई बात नहीं, कल आपकी माँ जी का जन्मदिन है। उन्हें गुजरे बहुत वक्त हो गया है, तब से उनके जन्मदिन पर उनको याद करने का परिवार का यही तरीका है, सब लोग पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। और इस साल भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हर साल होता आया है। मुन्ना की मां का जन्मदिन हर साल की तरह हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। कल हम सब लोग गांव जाएंगे। बहू जी वो ऐसा है कि हम आपके साथ आना तो चाहते हैं लेकिन कल से ही हमें ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो बहू जी आपके साथ चाहकर भी हम नहीं आ पाएंगे। बहू जी क्या हम चल सकते हैं आपके साथ। नहीं सोना बहू,
पहले तुम्हें इस परिवार का सदस्य बनने की जरूरत है, और तुम इस घर में सिर्फ इसलिए हो कि तुम मुन्ना की पत्नी हो। लेकिन इस परिवार के रस्मों रिवाज को निभाने से पहले तुम्हें इस परिवार को अपनाना होगा, इस परिवार का हिस्सा बनना होगा, उसके बाद ही आप इस घर में जा सकते हैं। ये लो, हर साल की तरह तुम्हारी इस साल की साड़ी, जैसा कि मुन्ना की मां अपने जन्मदिन पर अपनी बहू को देना चाहती थी। लेकिन बाबूजी, मैं ये कैसे, कन्हैया जी की धर्मपत्नी होने के नाते अब ये दर्जा सोना का है और ये साड़ी सोना को मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं बहू, इसलिए ये साड़ी तुम लो। लेकिन बाबूजी, मैं ये कैसे। ये लो, चलो हम सब बैठकर खाना खाते हैं। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ आज्ञा लेनी थी। हाँ कहो। बाबूजी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। गांव जाने पर फिर से वही बातें होंगी, वही ताने, लोगों के बीच फिर से खुसर-फुसर शुरू हो जाएगी, और अब मैं ये सब नहीं सुन सकती, इसीलिए बाबूजी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हम भी नहीं चाहते हैं बिना तुम्हारी गलती के तुम्हें किसी की गलत बात सुननी पड़े। तुम यहां रुक सकती हो। जी बाबूजी। सोना रात को तो यही रखकर सोई थी, आज देखा तो साड़ी कटी फटी मिली। अब इतना भी दुखी होने का नाटक मत करो सोना, ये सब महान कार्यक्रम सब तुम्हारा ही किया जा रहा है ना। देवा भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बार बार सोना को दोषी क्यों ठहराते हैं? सोना ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। आप सब हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? हमने ये नहीं किया है। अरे हम ऐसा क्यों कर। बाबूजी, हमारा यकीन कीजिए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, और चित्रासी की साड़ी काटकर हमें क्या फायदा होगा? हमें किसी से कोई चिढ़ नहीं है,
आप सब पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम आप सबको ना पसंद करते हैं, हम आपके परिवार को अपनाना नहीं चाहते। ये क्या चीज़? जी देखिए, हम ऐसी कोई भी बात को साबित नहीं करना चाह रहे हैं जिससे ये पता लगे कि आप गलत हैं। सोना जी, जिस तरीके का कट इस साड़ी पे, वो सिर्फ इस कैंची से हो सकता है, और ये कैंची आपके कमरे में मिली है हमें। विश्वास, ये साड़ी, ये रफ पेपर और ये कैंची मिला लीजिए, चाहे तो खुद करके देख लीजिए। हमें मत देखिए, इस साड़ी जिस तरीके से काटी गई उसे देखिए। हमें पता है सोना जी, आपको बहुत बुरा लगा होगा जब मां के जन्मदिन पर दी जाने वाली साड़ी आपकी जगह चित्रासी को दी गई। सच बोले तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, हम भी इस बात की निंदा करते हैं सोना जी, मगर हमें यह नहीं पता था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं, इस तरीके की गिरी हुई हरकत कर सकती हैं, और आपने मार कैंची लेके साड़ी को ही काट डाला। अरे आप तो ऐसी कभी थी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि आप इस तरीके। इससे तो यह साबित होता है कि वो फोटो फ्रेम भी आपने ही तोड़ा था। अगर आपको हमारी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं तो हमें किसी को सफाई नहीं देनी। अगर आपको लगता है कि हमने जानबूझकर किया है, हम दोषी हैं तो ठीक है, अगर आप ही हम पर शक करेंगे तो किसी और को हम अपने निर्दोष होने की क्या सफाई दें।
इतना हम तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो हुआ उसे अब भूल जाओ। गांव पहुंचते पहुंचते हमें बहुत देर हो जाएगी, अब हमें निकलना चाहिए। तीर तो निशाने में बैठ गया सोना, अब देखो मेरी दूसरी चाल तुम्हें कन्हैया से इतना दूर कर देगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि सबको पता चलने से ये सब हो जाएगा तो मैं साड़ी की बात कभी किसी को नहीं बताती। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों? मुझे पता है सोना, तुम इस तरह का काम कर ही नहीं सकती। तकलीफ तो इस बात की है कि तुम्हारे पति ने भी तुम पर यकीन नहीं किया। बाबूजी, देवा भैया, भीमा भैया और कमल इस तरह की सोच रखे तो समझ आता है, लेकिन उन्होंने, सच कहूं, आज उनका तुम पर इल्जाम लगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं चुप रही ये सोचकर कि तुम दोनों में बोलने वाली मैं कौन होती हूं। सोना, जो भी है मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। इस घर में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। सोना, तुम्हारी दादी भी तो इलाहाबाद में ही रहती है ना? आज मन दुखी है तुम्हारा, मेरी मानो, जाकर उनसे मिलाओ। अपने ही तो ऐसी घड़ी में सहारा होते हैं, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी दादी से मिले हुए बहुत वक्त हो गया, पर हम कैसे जा सकते हैं? दोपहर वो खाना खाने के लिए मैं हूं ना, मैं उनको खाना दे दूंगी। और वैसे भी इस हालात में दोनों को शांत रहना चाहिए। चित्रा जी, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? आप अकेली ही हैं जो हमें समझ रही हैं। वरना सब तो यही सोच रहे हैं कि हमने, कितनी अजीब बात है ना, आपको तो हमसे नफरत करनी चाहिए और आप ही हमारी मदद कर रही हैं। थैंक यू। यही तो तुम्हारी समस्या है सोना, कि तुम हद से ज्यादा अच्छी हो और तुम सोचती हो कि तुम्हारे आसपास सारे लोग तुम्हारा भला चाहने वाले हैं। लेकिन माफ करना सोना, ये तुम्हारी खुशफहमी है केवल, सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है।